बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं राशिद अपडेट्स। नाज़रीन, हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका अजलास बुलाकर 30 बिल मंजूर करने का फैसला किया है, जिसके लिए वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों से हमायत की दरख्वास्त कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने मुलाकात की, जिनमें MQM, मुस्लिम लीग कौफ, GDA बलोचिस्तान, आवामी पार्टी के रहनुमाओं शाहज़ैन बुगटी और शेख शहीद शामिल थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुश्तरका पार्लियामेंट इजलास के हवाले से मशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को मुश्तरका पार्लियामेंट इजलास में कानून साजी से मुतल्लिक एतमाद में लिया। साथ ही वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को कौमी अमूर पर भी एतमाद में लिया। इत्तेहादी जमातों को बताया गया कि 8 नवंबर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 30 अदद बिल पेश किए जाएंगे। बिल की मंजूरी में इत्तेहादी जमातों से भरपूर हमायत की भी दरख्वास्त की गई। मुलाकात से मुतल्लिक इताती अरकान का कहना था कि वज़ीर आज़म ने अहम कौमी मामलात पर एतमाद में लिया है। इजलास खुशगवार माहौल में हुआ, तमाम इताती शरीक रहे। तय किया गया है कि कौमी इशूज़ पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया जाएगा।